पढ़ाई का पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भैया पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हो, ये पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है? आज के टाइम पे सरकारी नौकरी की जो तैयारी है वो एक तरीके का रिस्क है अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमें नहीं पता है हमें कितने साल तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ अपने दिमाग में रखते हैं कि यार कभी ना कभी तो PDF में नाम आएगा, कभी ना कभी तो नौकरी लगेगी ही लगेगी। यही होता है पॉजिटिव माइंडसेट। अब इस पॉजिटिव माइंडसेट का अपनी लाइफ में क्या प्लान है, मतलब फ़ायदा मिलेगा? देखो, अगर तुम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे थकाने वाली प्रक्रिया होती है जो होती है सरकारी नौकरी की तैयारी। दिमाग से तुम्हें पूरी तरीके थका देती है, तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट ले लेती पूरी तरीके से कि तुम कितना शांत हो, और हर तरीके के तुम्हारे मोटिवेशन का, डिसिप्लिन का, हर चीज़ का तुम्हारे टेस्ट हो जाता है पढ़ाई से। और इन सब के बीच में भी जब तुम पॉजिटिव सोचते हो हर चीज़ के लिए, तो तुम्हारी लाइफ में भी चीज़ें वो क्रिएट होने लगती हैं। मान लो कोई सिचुएशन है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर तुम्हें लगता है कि बहुत चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, तुम्हें यह लग रहा है कि इसमें अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, वहीं पर यह पॉजिटिव अप्रोच जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए थी वो काम आ जाती है। कैसे? क्योंकि जब तुम पढ़ाई के लिए पॉजिटिव तुम्हारी चीज़ें रहेंगी, तो उसमें फ़ायदा यार ये होगा कि कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई गंदी सिचुएशन फंस चुकी है जहाँ पे तुम फंस चुके हो बुरी तरीके, अब उसमें अगर तुम और अग्रेसिव होगे, तुम और बुरा सोचोगे, तो वो चीज़ें सुधरनी तो है नहीं। वहाँ पे काम आती है पॉजिटिव अप्रोच कि यार इससे क्या बेटर हो सकता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत तो बेटर हो जाए कुछ। वहाँ पे तुम्हारा ये पॉजिटिव माइंडसेट पढ़ाई वाला काम आता है। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, बस दिक्कत ये होती है कि रिजल्ट थोड़ा देर से मिलता है, या फिर रिजल्ट उसका रिजल्ट कहीं और तुम्हें दिखता है लेकिन हम वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए पढ़ाई जब भी करते हो तो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए हर चीज़ को लेकर। इसीलिए जब बंदे कोई भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके टीचर होते हैं, मेंटर्स होते हैं, क्या समझाते हैं कि बेटा जब भी तैयारी करो तो कोशिश ये किया करो, किसी के बारे में भी अगर समझाया जा रहा है उसके बारे में अपने पर्सनल ओपिनियन मत रखा करो, समझ रहे हो? पर्सनल ओपिनियन क्या मतलब कि अगर मान लो तुम किसी एक धर्म से बिलोंग करते हो, तो तुम जरूरी नहीं उसी धर्म की तारीफ करते रहो, जो दूसरा धर्म है उसमें भी तुम्हें अच्छाइयाँ देखनी पड़ेंगी, ये तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम यूपीएससी में हो, ठीक है, तुम्हें सबको लेके चलना है। यही होता है पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर कोई बुरा आदमी भी है तो उसके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें, क्या अच्छा हो सकता था जिससे वो बेटर हो जाती उसकी लाइफ, या फिर क्या क्या उसने गलतियां करी जिसकी वजह से वो इस खेल में चला गया। तो हर चीज़ के बारे में तुम्हें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही गलत हो रही हैं लेकिन वो सही कैसे हो सकती थी वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट, और हर चीज़ का पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हें एक पॉजिटिव आदमी बना ही देगा। और पॉजिटिव आदमी के पास एक एडवांटेज ये होता है कि वो किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है, किसी भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है उससे भी वो निकल जाएगा। उसको मरने की हालत में है, चीज़ें गड़बड़ बहुत हो रही हैं, फिर भी वो चीज़ें निकल लेगा क्योंकि उसके पास जब पॉजिटिव माइंडसेट है तो उसके पास सोचने की क्षमता है। इसलिए पढ़ाई का पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा तैयार रखो। राम राम, जय हिंद।